ऑटो पायलट फीचर के कारण टेस्ला पहले से ही परेशानी झेल रही है। कई दुर्घटनाओं के बाद इस फीचर के प्रभाविकता पर सवाल उठने लगे हैं और यह विवाद का हिस्सा बन गया है। लेकिन सोमवार को जो शंघाई ऑटो शो में हुआ वो ना सिर्फ प्रेस के लिहाज से बुरा था बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनी को शर्मसार करने वाला था। दरअसल इस इवेंट में चीन में टेस्ला मॉडल 3 की एक महिला ओनर कार के टॉप पर चढ़के इसके फॉल्टी ब्रेक्स को लेकर विरोध करने लगी। इस महिला के विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें वो चिल्लाती हुई दिख रही है कि टेस्ला ब्रेक लॉस्ट कंट्रोल, जिसका मतलब है कि टेस्ला की कार ने ब्रेक पर कंट्रोल खो दिया। वीडियो में महिला के इस प्रोटेस्ट को इवेंट ऑर्गेनाइजर्स और विजिटर्स भी देखते हुए दिख रहे हैं। इस महिला की टी शर्ट पर भी ब्रेक लॉस्ट कंट्रोल लिखा हुआ था। इवेंट में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स ने महिला को नीचे उतारने और उसके टी शर्ट पर लिखे मैसेज को छाते से छिपाने की कोशिश की लेकिन महिला ने उन लोगों को धक्का दे दिया। लेकिन बाद में उसे खींचकर टेस्ला मॉडल 3 कार की छत से उतार कर ले जाया गया। हालांकि इस बात की अभी भी पुष्टि नहीं हो सकी है कि उसे इस विरोध के लिए अरेस्ट किया गया है या नहीं। महिला का दावा है कि उसके पास जो टेस्ला मॉडल 3 कार है उसमें फॉल्टी ब्रेक्स फिट किए गए हैं। इसके साथ ही उसने यह भी दावा किया कि इस फॉल्टी ब्रेक के कारण उसका एक्सीडेंट भी हो गया जिसमें उसके परिवार के 4 लोगों की जान जा सकती थी। हालांकि टेस्ला ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि चेक करने पर उन्होंने इस महिला के कार में किसी तरह की खराबी नहीं पाई है। कंपनी का दावा है कि यह महिला लगातार टेस्ला के ब्रेक इशू को लेकर प्रोटेस्ट करती आ रही है। सच्चाई जो भी हो लेकिन यह प्रोटेस्ट तब सामने आया है जब टेस्ला अपने मॉडल एस कार के एक्सीडेंट को लेकर परेशानी का सामना कर रही है जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। पब्लिक न्यूज डेस्क, देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए पब्लिक न्यूज के साथ।